जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे फैजाबाद अयोध्या से 40 किलोमीटर दूर पे जा रहा है, अयोध्या की धार्मिक पौराणिक गंगा जमुनी तहजीब को देखते हुए उसको तत्काल इससे जोड़ा जाए। जब करोड़ों अरबों रुपया सरकार खर्चा कर रही है फैजाबाद का नाम अयोध्या करने के लिए, फैजाबाद के मंडल का नाम अयोध्या करने के लिए, तो कुछ करोड़ों रुपए में अगर अयोध्या से फैजाबाद, अयोध्या से पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जुड़ जाएगा तो ये हमारी मांग है। क्योंकि कल नितिन गडकरी जी जो माननीय मंत्री हैं केंद्र में और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जिनको कहते हैं योगी आदित्यनाथ जी फैजाबाद आ रहे हैं, कई सारी योजनाओं का शिलान्यास करने आ रहे हैं, उद्घाटन करने नहीं आ रहे हैं। 2 महीने में आचार संहिता लगने जा रही है, वो शिलान्यास करने आ रहे हैं, जिसका जनता को सीधे लाभ नहीं मिलेगा इस पर, तो हम मांग करते हैं। दूसरा हमारा पॉइंट है 13 रोस्टर का हम पुरजोर विरोध करते हैं। तीसरा, जो हमारे छात्र संघ का अध्यक्ष है आवास किश यादव, जो कि कक्षाएं चलाने के लिए आंदोलनरत था, उस पर जो प्रचारिया द्वारा नोटिस दी गई है उसका विरोध करते हैं। किसान बाजार जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्वीकृत किया था उस पर पूरा पैसा दिया जाए और उसका नाम स्वर्गीय मिसेन यादव जी के नाम से रखा जाए, इसकी आपसे निवेदन करते हैं। और अगर आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के कानों में जू नहीं रोंगी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और नितिन गडकरी जी कल इस योजना को मूल रूप नहीं देते कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को फैजाबाद से जोड़ा जाएगा, अयोध्या से जोड़ा जाएगा, तो समाजवादी पार्टी हस्ताक्षर अभियान पूरे जिले में चालू करेगी, जिसकी शुरुआत आप लोगों से होगी, आपके दफ्तरों में हम लोग जाके करेंगे कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को अयोध्या से जोड़ा जाए। यही मुख्य उद्देश्य है।